वर्डप्रेस मोबाइल ऐप के थ्रू जो वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। जो इंटरफेस है वो मोबाइल है और हम यूज़ कर रहे हैं कोई मोबाइल पे बनाई हुई फ्री की वेबसाइट। और ये वीडियो किस बारे में है कि आप कॉन्टैक्ट फॉर्म में कॉन्टैक्ट के लिए कोई पर्टिकुलर मैसेज किसी ने सेंड करना है तो कैसे ऐड करें। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारे पास ये फर्स्ट इंटरफेस है और उसके बाद अब क्या है, आपको पता है कि मोबाइल पे ये मेन्यू यहाँ पे आता है। इस मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास तीन यहाँ पर लिंक है, होम, ऑथर एंड सिलेबस। अब ये जो लिंक है इसमें हमने कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो उसके लिए कैसे करते हैं। ओके, सो उसके लिए क्या है कि हमारे पास ये जो ओपन किया है, मैंने ये वेबसाइट को ओपन किया, मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के लिए क्या है, आपको ये हम डैशबोर्ड में आ गए। डैशबोर्ड में आ गए तो हमने कस्टमाइज़ करना है, किसको, मेन्यू को करना है। तो ये आए हम किस में जाएंगे, हम पेजेस चेक कर लें एक बार। पेजेस चेक करते हैं, आप सभी पेजेस को चेक कर लीजिए कितने पेजेस हैं। तो ये देखिए कि हमारे पास उस मेन्यू में सिलेबस भी था, वर्ड ऑथर भी था, ओम भी था, कॉन्टैक्ट नहीं था। तो हमने इस कॉन्टैक्ट को मेन्यू में ऐड करना है। तो ऑब्वियसली कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको मेन्यू में जाना पड़ेगा। और उसके बाद जाइए आप किस पे, अपीयरेंस पे, अपीयरेंस में मेन्यू आएगा, अपीयरेंस देन मेन्यूज। ओके, अब इस मेन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो मेन्यू है वो कौन सा है, इस वक्त प्राइमरी मेन्यू काम कर रहा है। कितने मेन्यू यहाँ पर हमारे पास, ये है प्राइमरी मेन्यू, इस वक्त एक्टिव है और सोशल लिंक के बारे में है। तो हमारा कंसर्न अभी किससे है, प्राइमरी मेन्यू से। तो यहाँ पे देखिए क्या है, होम है, ऑथर है और क्या है हमारे पास, सिलेबस। अभी कॉन्टैक्ट को ऐड करना है आप, तो ऐसे क्लिक करके जितने भी फॉर्म्स हैं किसी पर्टिकुलर पेज को आप ऐड कर दो। और उसके बाद क्या करना है, आपने टॉप पे है सेव द चेंजेस, इस पे क्लिक कर देना है। ओके, अब ये बात है कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ कॉन्टैक्ट को ऐड कर दिया मेन्यू में, वहाँ पे दिख रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ फिर कोडिंग पे उसके आते हैं कि आउटपुट में आपको कैसा दिख रहा है। तो अब मैं इसको दूसरे वेबसाइट को ओपन किया, आपको पता है ये लिंक क्या है, laureate2019.wordpress.com। और अब मैं क्या है, मेन्यू पे क्लिक करता हूँ अगेन। इसको मैंने रिफ्रेश किया और अगेन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कॉन्टैक्ट भी है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये देखिए कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन, गेट इन टच की इन्फॉर्मेशन, ये फॉर्म है आपका। जो किसी ने कोई मैसेज भेजना है तो दिस इज़ द फॉर्म, सेंड ए मैसेज, यहाँ पे नेम है, ईमेल है, वेबसाइट है, मैसेज है, सबमिट है। ये ऑटोमेटिकली आया हुआ है। ये कैसे आता है, ये इस पेज का वर्डप्रेस का ही इनबिल्ट एक फीचर है जो कि कॉन्टैक्ट देता है, इसको क्रिएट नहीं करना पड़ता। यदि आपने इसको ऐड करना है तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ऐसा एक प्लगइन है, उससे बड़ी इजी से आप कर सकते हो, बट ये इनबिल्ट ही है। अब हम देखते हैं इस पेज के ऊपर कोडिंग में जाते हैं। तो ये तो व्यू मोड था, एडमिन एरिया में पेजेस में चेक करते हैं कि ये पेज कैसे डिस्प्ले होता है, उसके कंटेंट क्या है, उसको ओपन करते हैं, एडिट करते हैं। तो मैं इसको बंद करता हूँ, इस पे किया, पेजेस में आया, ऑल पेजेस किए और ऑल पेजेस में ओपन किसको कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट को ओपन कर रहा हूँ। तो कॉन्टैक्ट को ओपन करने के लिए अब देखिए क्या है, यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन जिसको आप एडिट कर सकते हो, ये गेट इन टच, और ये हमारे पास एक फॉर्म है। ये ऑटोमेटिकली फॉर्म यहाँ पे आया हुआ है जो कि पहले से ही इनबिल्ट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। ओके, यदि इसको आपने चेंजेस करने हैं या और चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि अलग से आपको
प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो फ्री वाली वेबसाइट्स हैं उनमें तो ये नहीं पॉसिबल होता है, पर जो वर्डप्रेस आप करते हो, कोई वेबसाइट बनाते हो, तो उस पर कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द कॉन्टैक्ट फॉर्म। ऑब्वियसली इसको आप करिए, कोई इशू आता है तो आप कमेंट करिए, कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप कमेंट करिए। थैंक यू।